जय हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों। 27 अक्टूबर सैनिक खबरों में बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। सबसे पहले बता दें कि जो पेंशन क्रेडिट हुई है हमारे पेंशनर को, उसमें DA DR का इंक्लूडेड नहीं है, उसका अलग से पैसा, मतलब अलग से जो एरियर है क्रेडिट होगा वो भी बताएंगे आपको। बता दें अक्टूबर की पेंशन इतनी जल्दी आ गई है, उसके लिए पेंशन धारक व पेंशन भोगी की हुई बल्ले बल्ले। ORP पर चेतावनी और मानेंगे मोदी जी। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन को 7 लाख का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। मेडिकल सुविधा लेनी है तो MEC कार्ड जरूर बनवा ले। कैसे बनाना है बता दे, डिपेंडेंट कार्ड अब बंद हो चुका है। सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अब तक की सबसे पहले लेके चलते हैं आपको। टोल टैक्स भी बात करेंगे, टोल टैक्स के ऊपर भी एक लेटर निकल के आया है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन जरूर ध्यान देंगे। अब आपका जो डिपेंडेंट कार्ड था वो बंद हो गया, अब आपको MEC कार्ड बनवाना है। जानते हैं कि क्या है लेटेस्ट रूल और इसमें कैसे आपको बनाना पड़ेगा। मिलिट्री जो हॉस्पिटल है वो यही एक्सेप्ट करेंगे सभी रैंकों के लिए, एप्लीकेबल फॉर ऑल रैंक। तो ओनली मेडिकल कार्ड, नॉट डिपेंडेंट कार्ड। तो मेडिकल कार्ड क्या है तो सबसे पहले बता दें कि ये कार्ड का नाम है MEC कार्ड। मिलिट्री हॉस्पिटल विल एक्सेप्ट MEC नॉट डिपेंडेंट कार्ड फॉर ट्रीटमेंट। अब कोई भी आपको ट्रीटमेंट कराना हो तो आपको ये चाहिए, उसके लिए लेटर एडवाइजरी भी जारी हो गई है। इंटरिम मेडिकल ट्रीटमेंट कार्ड MEC का मतलब होता है मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड। अब ये मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड कैसे बनेगा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी बता दें 18 अक्टूबर को सभी कमांडो को और जितने भी देख सकते हैं पूरे 7 कमांड को प्लस ये हर जगह भेज दिया गया है। आपकी यूनिट के एडवाइजरी भी में आ गया होगा, नोटिस बोर्ड में लग गया होगा। ये आपका एडजुटेंट जनरल ब्रांच ये जो निकला है ये A Block 3 Floor KG मार्ग न्यू दिल्ली से निकल के आ रहा है और यहाँ पे मेडिकल सर्विस की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ा ले लिया गया है फैसला। सभी भूतपूर्व सैनिकों से आग्रह करूंगा वीडियो को पूरा देखें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करना ना भूलें। ये आपका जो डिपेंडेंट्स की है और बेनिफिशियरीज एंटाइटलमेंट टू मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस हॉस्पिटल उनके लिए है। जी हाँ, आप बता दें इसमें जैसे 9000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है उनका इसमें सैलरी स्लिप भी मांगेंगे वो, मतलब इनकम सर्टिफिकेट। 9 से ज्यादा सैलरी हुई तो आपको नहीं होगी, होनी चाहिए 9000 से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए। पेंशन में भी आएगा और इसके बाद बताएंगे पेंशन में जो ORP का पैसा कब आएगा और पेंशन में आपका DADR का पैसा नहीं आया है इसके लिए ये कैसे कार्ड बनाना है। तो एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट लेके आपको करवाना, सर्टिफिकेट भर के जमा करना है यूनिट के। इससे CO रैंक से नीचे इसका नहीं कर सकते हैं, ये आपको जो CO रैंक के हैं वही अधिकारी नीचे आपको अप्लाई मतलब अप्रूवल दे सकते हैं। तो ध्यान रखें ये जो एडवाइजरी जारी हुई है यहाँ पे आप साथ साथ इशूइंग ऑथोरिटी में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है CO या कमांडेंट ऑफ यूनिट नॉट बिलो रैंक ऑफ CO, मतलब CO रैंक से बिलो को ऑथराइज नहीं, ऑथोरिटी नहीं है कि इसको परमिट कर दे या इसे अप्रूवल दे दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है इशूइंग ऑथोरिटी फॉर पर्सन स्मॉलर यूनिट कमांडेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल एंड बिलो। तो यहाँ पे ये न्यूज निकल के आई थी आपको मैंने बता दिया। अब आपको बता दें एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो आपको पता है कि DADR जो 46% हो चुका है, जो इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से है, उसमें आपका DADR कितना है तो अब आ चुका है 46%। लेकिन अभी पेंशन क्रेडिट हुई है उसमें DADR का पैसा नहीं है, इसके लिए सेपरेट आपको 3-4 दिन लगेंगे, आपके पेंशन आपके जो खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, DADR का पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही बता दें एक और यहाँ पे पिछले साल मतलब यहाँ पे पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर और अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे भी फिर कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी ऑफिसर की मौत की सजा। तो यहाँ पे एक और न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही बता दें कि अग्निवीर चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे वादा किया है देना होगा हमारी वर्दी, हमारा हक है, आर्मी एग्जाम एयरफोर्स ज्वाइन पूरी अग्निपथ योजना वापस लो। अभी भी हमारे कुछ युवा हैं जो हताश हैं, जो निराश हैं और अभी भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव की जरूरत है अग्निवीर में। एक कर्नल साहब परेशान हो गए हैं। जी हाँ, अग्निवीर स्कीम के तहत जो बंदे आए हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे यूनिट में, नहीं एक्सरसाइज में कर्नल जी परेशान हुए हैं। आप देख सकते हैं Nightmare for a commanding officer today I received a call from CO for advice whose unit is undergoing an exercise. He is having a tough time making this Agnivir work. Argument given by the AV Agnivirs is that they are daily wages working at the rate 700 per day and the day means 8 hours. मतलब कि उनको एक दहाड़ी की तरह काम में लिया जा रहा है, तो अब ये कर भी क्या सकते हैं, इनकी जो 4 साल का टर्नओवर है ये एक अब ये 4 साल में बड्डी का काम से अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक बेस्ट सोल्जर, एक स्किल्ड सोल्जर एक लड़ाई के मैदान में अपना योगदान देने के लिए कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो इनसे क्या ही एक्सेप्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं।
एक्सपेक्टेशंस इतना नहीं रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निवीर की जो है योग्यता जो है उनकी, जो अभ्यास की है, जो पढ़ाई की है, वो उतना नहीं है जितने लेवल की एक ऊंचे दर्जे का चाहिए होता है सैनिकों को। आज की सैनिकों में खबर में मैंने आपको बहुत सारी न्यूज बताई। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर, साथ शेयर करना ना भूलें। जय जवाहर, वंदे मातरम।